तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अमन आज जा रहा हूँ जुलाना से महम की तरफ। हम काम पे आए हुए हैं जैसे, और महम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से महम की तरफ हम पहुँचेंगे। यहाँ से पकड़ लिया हमने लाखन माजर के बस, और ये बिल्कुल धीरे धीरे चला रहा है, पता नहीं क्यों। या तो टिकट नहीं कटी इसलिए चला रहा है धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे चला रहा है दोस्तों। जैसे भाई अब ये टिकट काट रहा है, इसके बाद शायद ये तेज चला ले, पता नहीं। अब इसने टिकट काट दिया भाई, अब ये बहुत तेज चला रहा है, देख सकते हैं आप। बाहर की तरफ तेजी से ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तेज चला इसने टिकट काटने के बाद, पता नहीं ये क्या बात होती है। हम अब लाखन माजरा उतरने वाले हैं। लाखन माजरा उतरने के बाद हम पकड़ेंगे सीधा महम की बस। और यहाँ पे तो जैसे मुझे सीट मिल गई थी, आगे भी पता नहीं सरकारी बस मिलेगी या प्राइवेट है। चलो चल के देखते हैं कौन सी बस मिलती है हमें। मतलब अब तो इसने स्पीड ऐसे बांध दी ना भाई बस की, लगभग 90 से 100 पे चल रही है, ज़्यादा तो मैं कहता नहीं। 90 पे तो पक्का होगी भाई, 80-90 मतलब। आगे एक सरकारी बस चली गई, उससे आगे निकालने पे लगा हुआ है, और उससे आगे हमने पकड़ लिया मैम की बस। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मैम महम जाए। हम यहाँ से नए बस स्टैंड पे उतर गया था मैं गलती से, मुझे पुराने बस स्टैंड की तरफ जाना था वहाँ पे, क्योंकि एक भाई है उससे मिलना है, उससे थोड़ी डिस्कस करनी है, फिर आगे काम पे जाएंगे गाँव में। और वो गाँव कुछ मखोला मखोला करके है शायद कुछ ऐसे। हम गाँव की तरफ जा रहे हैं, अब बस पकड़ ली हमने यहाँ से, अब गांव में पहुँचे गए हम। गांव में हम पहुँच गए, देख सकते हैं दोस्तों अब यहाँ पे उतरूंगा मैं। अब हम फिर गांव में काम करेंगे थोड़ा, मतलब गांव में थोड़ा काम है, वहाँ से काम वगैरह करके फिर घर की तरफ निकलूँगा आज मैं। ये गांव में जोड़ बहुत बड़ा है, 2-3 जोड़ है, आधे गांव में 5-5 जोड़ होते हैं दोस्तों, और एक आधे में एक भी नहीं पाता, अगर पाता खाली पाता है, देख सकते हैं जोड़ बहुत बड़ा है। इधर यहाँ मैं दिखा देता हूँ, मैं चल चुका हूँ बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे गांव में बस स्टैंड थोड़ी दूर था। परछाई हमेशा हमारी अपने साथ रहती है, आपको पता ही होगा। और ये गांव है, आपको मैं दिखाऊंगा आगे, ये गांव बहुत बड़ा है, मतलब शहर की तरह है, हमारी अपने साथ रहती है परछाई। आप देख पा रहे हैं परछाई साथ ही साथ चलती रहती है हमेशा, कभी भी दूर नहीं होती, रात को भी दिन में भी, आपको पता ही होगा ये बात। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे बस स्टैंड पे, बस स्टैंड का मॉल दिखाते हैं हम। उधर की तरफ कुछ बंदे से है, मतलब ये अपना प्रचार कर रहे हैं, शायद चुनाव आसपास लगे हुए हैं, चुनाव है जो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव आगे, इसके लिए ये है गाँव वो। दोस्तों आपको मैंने दिखा दी, और ये इधर लोग प्रचार कर रहे हैं अपना, भाई हमें वोट देना। तिरंगा यहाँ पे बहुत ऊंचा लगा हुआ है, बहुत बढ़िया लगा है। अब मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ से, जिंदगी बस पकड़ लिया मैंने, बर्गर वगैरह खा लिया था पीछे, अब मैंने जिंदगी बस पकड़ लिया दोस्तों। जींद जा रहे हैं हम बस से, लगभग 1.5 घंटा लगेगा। अब मैं यहाँ से दोबारा गाँव से महम आया, महम से मैंने बस पकड़ी, कुछ था उतरी गाँव जो इसार की बस थी, उसने उतारा था मुझे बीच में, मंजूरा पता नहीं मंगोरा ऐसा ही कुछ था। अब मैं जींद वाली बस में बैठा हुआ हूँ, और जींद वाली बस मुझे पता नहीं कितने बजे पहुँचाई, 4:30 बजे बैठा था मैं गांव से रोहतक वाली में, और इसने यहाँ पे पहुँचाते 6 बजाती है। अब मैं जींद वाली में बैठा हूँ, 7:20 की लास्ट बस है दोस्तों कैथल की, देखते हैं हम पहुँच पाते हैं या नहीं। और मुझे तो लग रहा पहुँच जाए, क्योंकि तेजी से चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, बस सरकारी है। और ये गांव है कोई सा, यहाँ पे रुकी हुई है, ये इगरा गांव है, इगराहा। यहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं, और बाहर का माहौल दिखा देते हैं आपको। सूरज बिल्कुल नीचे डल चुका है, मतलब अंधेरा होने पे ये पहुँच गए दीमाणा गांव में। और हम पहुँच चुके हैं मेन जींद में ही पहुँच चुके हैं हम, मतलब ये मार्केट से है जो गाँव सा, जो जींद है बड़ा, वहाँ पर आ चुके हैं जींद मार्केट से। अब यहाँ पर पता नहीं ये बस कितनी देर और लगाएगी, यहाँ पे भीड़ भाड़ की जगह इसलिए आराम आराम से चल रही है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये पता नहीं कौन सा चौक है इधर पे, और यहाँ पे रेडियो वगैरह भी लगी हुई है, अगर आपको इस चौक का नाम पता है बता देना, देख सकते हो आप। और अब यहाँ पे से जींद बस स्टैंड पता नहीं 10 से 5 किलोमीटर दूर आ सकता है मुझे लगता है, और मैं जींद बस स्टैंड पे पहुंच चुका हूँ दोस्तों। लेकिन मेरी बस निकल चुकी है यहाँ से, अब जाएगी हम पटियाला चौक पे, हम जा रहे हैं रिक्शा में। ये रानी तालाब है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं रानी तालाब, यहाँ से जींद से कौन कौन है कमेंट जरूर करके बताना दोस्तों। रिक्शा में जा रहे हैं हम, हमें जैसे बस वगैरह नहीं मिली थी, हमने टेम्पू को रखवा लिया जो कैथल तक जा रहे हैं। नगूरा तक तो हम एक भाई के साथ आ गए थे, अब ये टेम्पू जाएगा राम राम से, क्योंकि सभी सड़क टूटी हुई है, 3-4 बंदे हैं हम दोस्तों, और ये देख सकते हैं सारी सड़क टूटी हुई है बिल्कुल ज़्यादा,
और आराम आराम से चल के जा रहा है। 3 से 4 घंटे लगेंगे बोल रहा है। अब सड़क थोड़ी साफ आ गई, अब ये सही चल रहा है। हम पहुंच चुके हैं तीतरा मोड़ पे। दोस्तों मैं यहाँ पे उतर गया था, मैं अपने मामा को बुला रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी है, 11 ही बज चुके हैं। दोस्तों अब हम सुबह कैथल से निकल रहे हैं ट्रेन के लिए। ट्रेन से हम बस स्टैंड तक जाएंगे ओनली, क्योंकि आगे नया बस स्टैंड है ना कैथल, वहाँ भी रुकती है ट्रेन। रिक्शा में 20-30 रुपये लगते हैं, वो बच जाएंगे दोस्तों, इसलिए ट्रेन आने की देरी है बस। यहाँ से देख सकते हैं अब ट्रेन आएगी, मैं तभी निकल जाऊँगा यहाँ से। ट्रेन में मैं आ चुका हूँ दोस्तों, अब यहाँ पे ये रुकने वाली है आगे जाके नए बस स्टैंड पे, मतलब बस स्टैंड के पास जो नया स्टेशन है। ट्रेन मुझे छोड़ के चली गई और मैं आ गया हनुमान वाटिका की तरफ। अब मैं कैथल बस स्टैंड पे जाऊँगा और पोट्री की बस पकड़ूंगा अपने गांव की, जैसी ये देख सकते हैं हनुमान वाटिका। और उधर की तरफ दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे भीड़ रहती है हमेशा दोस्तों, हमेशा भीड़ रहती है यहाँ पे। अब मैं आ चुका हूँ कैथल बस स्टैंड पे, पोट्री की बस मुझे मिल चुकी है देख सकते हैं दोस्तों। मतलब मैं कल 4 बजे का चलूँ, आज सुबह 11 बज गए, अब भी घर नहीं पहुँचा दोस्तों। वहाँ पे पता नहीं क्या, 152 से आना चाह रहा था, लेकिन मैं पहले तो लेकिन आने नहीं दिया। मैं बाउंड्री पहुँच चुका हूँ दोस्तों अपने गांव में, देख सकते हैं यहाँ पे बस स्टैंड में। अब बस बट अंदर ये बस स्टैंड है दोस्तों पोंडरी का। आपको कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बता देना, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल डाउन चल रहा है शेयर जरूर कर देना दोस्तों। आगे मज़ेदार वीडियो और ब्लॉग आते रहेंगे।